आप सभी आदरणीय दर्शकों का चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। इस वीडियो के अंत में आपको इस घर से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी, मकान मालिक का नंबर भी आपको ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी लग्जीरियस घर, जिसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। और यहाँ पर आपको घर के बाहर 25 फीट की वाइड डामर रोड मिल रही है। एक लोकेलिटी का आप व्यू देख लीजिए कि अगल बगल यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज रह रही हैं। आप यहाँ पर तुरंत शिफ्ट भी हो सकते हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, घर का जो फ्रंट एलिवेशन है, इसमें जो फ्रंट वॉल है, फ्रंट वॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्सचर्ड वॉल का वर्क यहाँ पर मिल रहा है। पूरा घर रोड के लेवल से 3 फीट की ऊँचाई पर बना हुआ है। तो चलते हैं घर के अंदर और ये खूबसूरत सा घर आपको दिखाते हैं। तो अब हम चल रहे हैं पार्किंग एरिया से अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंट्रेंस डोर है, यहाँ पे आपको काफ़ी मजबूत लोहे का डिज़ाइनर गेट मिल रहा है। रैंप जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स और स्लोप दोनों ही दिए हुए हैं। पार्किंग एरिया की बात करें तो पार्किंग में आपके ब्रीजा, स्विफ्ट डिज़ायर सेगमेंट की कोई भी गाड़ी ईजिली यहाँ पर पार्क हो जाएगी। पार्किंग एरिया के ठीक बगल में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका स्पेशियस लॉन एरिया है। और लॉन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विंडो है गेस्ट रूम की, इसमें एलिवेशन वर्क किया हुआ है। घर में अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर आपको दो एंट्रेंस मिल रहा है। पूरा घर पार्किंग एरिया से 1.5 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है। स्टेयर्स के नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है फॉर इन्वर्टर एज वेल एज स्टोरेज पर्पज़। सर से बात करके अगर आप इसको कवर करा देंगे तो स्टोरेज पर्पज़ में भी आप इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। बात करें चौखट की, चौखट और डोर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 8 फिट हाइट की डोर्स और चौखट का यूज़ हुआ है। तो चलते हैं गेस्ट रूम से घर के अंदर। तो जैसा कि हम गेस्ट रूम से घर के अंदर चल रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौखट के ऊपर जो वुडन वर्क हुआ है, इससे इसका काफ़ी आउटस्टैंडिंग लुक आ रहा है। यहाँ पर आपको 8 फिट हाइट के डोर्स भी मिल रहे हैं। गेस्ट रूम जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस और फुली वेंटिलेटेड गेस्ट रूम आपको मिल रहा है। इवन पूरा घर फुली वेंटिलेटेड है। यहाँ पर आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। फ्रंट वॉल पे जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी शोअर सी और ग्लॉसी सी यहाँ पर आपको वॉल पेंटिंग मिल रही है, अलोंग विद साइड लैम्प्स, साइड वॉल लैम्प्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी हाइट की विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। इस विंडो में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मस्किटो नेट, ग्लास ग्रिल, तीनों ही चीज़ों का यहाँ पर यूज़ हुआ है। विंडो की साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो वुडन वर्क सर ने कराया है, इससे इसका और भी परफेक्ट लुक आ रहा है। अब मैं एक साइड में खड़े होकर सबसे पहले यहाँ पर आपको गेस्ट रूम का स्पेस दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस गेस्ट रूम आपको यहाँ पर मिल रहा है। इस गेस्ट रूम में आप 5 to 9 seater सोफा सेट प्लेस करेंगे विथ सेंटर टेबल, तो भी आपको यहाँ पर कहीं पर भी कंजेशन नहीं फील होगा। गेस्ट रूम और डाइनिंग एरिया के बीच में आपको यहाँ पर वुडन वर्क भी मिल रहा है। यहाँ पर आपका जो वुडन पैनलिंग का वर्क है, इसमें आप देख सकते हैं कि इससे आपका गेस्ट रूम डाइनिंग एरिया से बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर आप सेंटर में यहाँ पर कर्टन रॉड विथ कर्टन्स लगा देंगे तो आपका गेस्ट रूम डाइनिंग एरिया से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। घर में अंदर एंट्री करने के लिए आपको सेकेंड एंट्रेंस मिल रहा है, जो कि आपके पार्किंग एरिया को कनेक्ट करता है। और डाइनिंग एरिया का जो डोर है, चौखट है, यहाँ पर भी आपको सेम वर्क मिलेगा जो आपको गेस्ट रूम के डोर में मिल रहा है। ये आपका स्पेशियस डाइनिंग एरिया और देखिए काफ़ी परफेक्ट स्पेस आपको पूरे घर में मिल रही है। फुली वेंटिलेटेड घर मिल रहा है आपको। यहाँ पर आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। फ्रंट वॉल पर जैसा कि आप देख सकते हैं, RCC वॉल स्ट्रक्चर में साइड में यहाँ पर फ्रंट पे जो वॉलपेपर मिल रहा है, इसका देखिए काफ़ी परफेक्ट लुक आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। डाइनिंग एरिया को अटैच करता हुआ यहाँ पर आपको फुली मॉड्यूलर किचन मिल रहा है विद ग्लॉसी लैम्प्स। ये आपका स्पेशियस मॉड्यूलर किचन, इसमें अभी चिमनी लगना बाकी है। चिमनी ऑन योर रिक्वायरमेंट, इफ इन केस अगर आपको हिंडवेयर कंपनी की जगह किसी और कंपनी की चिमनी भी चाहिए होगी तो उसके रिगार्डिंग आप सर से बात कर लीजिएगा, जस्ट बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट ओनर प्रॉपर्टी। किचन में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी हाइट की विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। इसमें भी आपको मस्किटो नेट, ग्लास ग्रिल, तीनों ही चीज़ें यहाँ पे लगा के दी जा रही हैं। साइड में वुडन वर्क हुआ है और ये आपका
किचन में आपको ग्रेनाइट टॉप यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है, जो कि डबल मोल्डिंग ग्रेनाइट टॉप है। बात करें बास्केट्स की, तो ये आपकी बास्केट्स हैं। अभी चूंकि ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन कंडीशन में है, तो इसमें थोड़ा डस्ट है, इसको प्लीज माइंड ना करिएगा। फ्रंट में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इटालियन टाइल्स भी लगा के दी जा रही हैं। चिमनी जैसा कि आपका सेंटर में रहेगी, चिमनी के साइड में डेली यूज का आपका जो भी सामान रहेगा, जैसे यहाँ पर जो बल्ब रखे हैं इसकी जगह, जब आप यहाँ पर डेली यूज का आइटम रखेंगे तो बार बार आपको कैबिनेट ओपन एंड क्लोज करना नहीं पड़ेगा। ये आप देखिए पूरा हाइड्रोलिक बेस पे यहाँ पर आपको कैबिनेट मिल रहा है। बात करें आरओ गीजर की, तो यहाँ पर आपको तीन टैप्स के कनेक्शन मिल रहा है, आरओ और गीजर भी आपका इसके अंदर प्लेस हो जाएगा। और नीचे की तरफ भी आपको स्पेशियस यहाँ पर कैबिनेट्स मिल रहे हैं, फ्लोरिंग यहाँ पे आपको टाइल्स की मिल रही है, पूरा हाइड्रोलिक बेस पे है, इसमें आपको कहीं फोर्स नहीं करना है और ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको किचन दिखा दिया है, अब चलते हैं घर के अंदर। तो ये आपका कॉमन लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर ओटीएस एरिया दिखाना चाहूँगा। ये आपका ओटीएस एरिया है, यहाँ पर काफ़ी मजबूत लोहे का जाल और उसके ऊपर शीट और मस्किटो नेट, तीनों ही चीज़ें यहाँ पर पहले से ही लगा दी गई हैं। यहाँ पर आपको मॉड्यूलर वॉश बेसिन लगा के दी जाएगी। और अभी देखिए ये सब थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट है, इसको प्लीज़ माइंड ना करिएगा। ये देखिए ये पूरी डस्ट यहाँ पर फैली हुई है। मैं आपको एक ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जब तक यहाँ पर आएंगे इस घर को देखने, तब तक ये आपको वेल नीट एंड क्लीन घर देखने को मिलेगा। बैक में आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम यहाँ पर टाइल्स का यूज़ हुआ है। सपोज डैट यहाँ पर जब आपकी वॉश बेसिन रखी जाएगी, सामने आपका मिरर लगेगा। आपको एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत होती है तो आप मिरर के ऊपर दिए हुए होल्डर को भी जला सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग शेविंग जैसे कई मेंस घर में शेविंग करते हैं, तो घर में शेविंग में के दौरान एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, या मेकअप भी करना हो लेडीज़ को तो एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइट जब आपके मिरर के ऊपर होगी तो आपको भी इजी रहेगा। ओटीएस को अटैच करता हुआ ये आपका फर्स्ट कॉमन वॉशरूम है। इसमें भी आपको 8 फिट हाइट का यहाँ पर चौकट और डोर लगा के दिया जा रहा है। इसमें भी देखिए चौकट पर वुडन एलिवेशन वुडन वर्क किया हुआ है। ये आपका स्पेशियस फर्स्ट इंडियन बाथरूम। और मौके पे अभी यहाँ पर भी थोड़ा डस्ट है, इसको प्लीज माइंड ना करिएगा। यहाँ पर आपको इटालियन टाइल्स लगा के दी जा रही हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सैनिटरी का काम पूरे ही घर में यहाँ पर अभी होना बाकी है। यहाँ पर आपको जैगवार कंपनी की सैनिटरी फिटिंग्स लगा के दी जाएंगी। और ये आपका कॉमन लॉबी एरिया। और इस लॉबी एरिया में आपको बताना चाहूँगा ऊपर की साइड स्टोरेज का भी प्रोविजन है, वो अभी मैं आपको बेडरूम से दिखाता हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। दिस इज योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम। यहाँ पे आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। जब आप अपना डबल बेड सेंटर में प्लेस करेंगे तो डबल बेड के दोनों ही साइड यहाँ पर आपको स्विच सॉकेट मिलेगा। आप बेड में बेड से लेटे लेटे फैन को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी चार्ज करना है, मोबाइल या लैपटॉप, तो आप यहाँ पर इजिली चार्ज भी कर सकते हैं। ये आपका स्पेशियस फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पे आपको विंडो भी मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। विंडो की बात करें तो यहाँ पर UPVC विंडो आपको लगा के दी जा रही है। ये आपका सेकंड वॉशरूम है। टॉप टू बॉटम यहाँ पर भी टाइल्स का यूज हुआ है, विंडो है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया और परफेक्ट स्पेस आपको इस वॉशरूम में मिल रही है। और यहाँ पर आपको वॉल हैंगिंग सीट भी लगा के दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वॉल हैंगिंग सीट का ही यहाँ पर जो कनेक्शन है वो वॉल हैंगिंग सीट का ही है। तो चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। तो जैसा कि अब हम चल रहे हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8 फिट हाइट की चौखट और डोर्स का यहाँ पर भी यूज हुआ है। ये आपका सेकंड स्पेशियस बेडरूम है। इसमें आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। एक वॉल पर आपको कोरियन वॉलपेपर भी लगा के दिया जा रहा है। इस बेडरूम से अटैच ये आपका वॉशिंग एरिया कम ओटीएस। इसमें आप देख सकते हैं अप टू 6 फिट तक का यहाँ पर टाइल्स का यूज हुआ है। पावर सॉकेट आपको मिल रहा है। वाटर कनेक्शन के लिए यहाँ पर 2 टैप्स आपको लगा के दिए जाएंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी परफेक्ट यहाँ पर
आपको स्पेस मिल रहा है। ओटीएस में जैसा कि आप देख सकते हैं काफी मजबूत लोहे का जाल, शीट और मस्किटो नेट यहां पर लगा हुआ है। अगर कनेक्टिंग डोर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये मस्किटो नेट का डोर आपको मिल रहा है, एज वेल एज ग्लास के दो डोर्स भी यहां पर लगा के दिए जा रहे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और मैं आपको ये स्टोरेज पॉइंट दिखाना भूल गया जो लॉबी एरिया के ऊपर था। तो ये आपका स्टोरेज पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेडरूम से अटैच है, तो इसमें आप सीजनल जो भी आपका स्टोरेज का सामान रहता है वो आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव या नोन पर्सन अगर लखनऊ में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो प्लीज़ उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें। ये जैसा कि आप स्टेयर्स देख रहे हैं, मौके पर अभी यहाँ पर डस्ट है, इसको प्लीज़ माइंड ना करिएगा। ये आपकी कवर्ड बालकनी, लटक बीम, टाई बीम और कॉलम पे बना हुआ काफ़ी मजबूत घर, लग्जरी घर, और इसमें सिर्फ एक बार सफाई की ज़रूरत है और जब आप इसको देखने आएंगे तो इसको वेल नीट एंड क्लीन ही पाएंगे। स्टेयर्स जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक ग्रेनाइट का यहाँ पर वर्क हुआ है और फ्रंट में स्टील और टफन ग्लास का भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये आपका बालकनी एरिया और लोकेलिटी आपके सामने है। ये आपकी कवर्ड बालकनी, और यहीं से आप लोकेलिटी का व्यू देख लीजिए। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर घर बने हुए हैं, फैमिलीज यहाँ पर प्रेजेंट में रह रही हैं। बात करें फर्स्ट फ्लोर की फर्स्ट बेडरूम की, तो यहाँ पर भी आपको 8 फिट हाइट की चौखट और डोर मिल रहा है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है, इसमें आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है, काफ़ी अच्छी हाइट की विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। इसमें भी मस्किटो नेट, ग्लास ग्रिल, तीनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर लगा के दी जा रही हैं। तो चलते हैं टेरेस की तरफ और यहाँ पर भी आप देखिए साइड में मैं आपको दिखाना भूल गया कि ये आप देख सकते हैं बालकनी में बेसिकली आपको किसी भी घर में आपको ये वर्क देखने को नहीं मिलेगा। टेक्सचर्ड वॉल का वर्क जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। टेक्सचर्ड वॉल नॉर्मली आपको बेडरूम्स या गेस्ट रूम में मिलती है, लेकिन सर ने यहाँ पे फ्रंट घर के जो फ्रंट एलिवेशन है एज वेल एज बालकनी एरिया में भी पूरा आप देख सकते हैं ऊपर तक का टेक्सचर्ड वॉल दी हुई है, जिससे इस घर का जो लुक है बिल्कुल परफेक्ट लुक है। तो अब चलते हैं टेरेस की तरफ। और ये आप को मिल रही है स्पेशियस टेरेस, शीट और मस्किटो नेट जैसा कि अब मैंने आपको नीचे दिखाया और बताया भी था। और अगल बगल आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े यहां पर घर बने हुए, 3-3 मंजिल ट्रिपल स्टोरी घर बने हुए हैं। और आगे भी देख सकते हैं यहां पर काफ़ी फैमिलीज अभी रह रही हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर लें। बात करें सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स, तो यहाँ पर आपको स्टेयर्स यहाँ पर लगा के दी जाएंगी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव या नोन पर्सन अगर लखनऊ में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो परचेज करने के लिए डायरेक्ट ओनर की, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें। बाकी जानकारी आपको वीडियो स्क्रीन में दिख जाएगी। थैंक यू।